पाकिस्तान क्रिकेट इज गियरिंग अप टू प्ले देयर टेस्ट फॉर्मेट और 10 महीने बाद टेस्ट फॉर्मेट की शुरुआत फिर से मतलब रिज्यूम फिर से हम करने वाले हैं. यस, जस्ट वन मोर डे और 21st से शुरू हो जाएगा पहला टेस्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश. उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और भी हमारी डिस्कशन होगी बिकॉज क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं पीसीबी को आहिस्ता आहिस्ता किन किन चीज़ों का ख्याल आ रहा है, कहाँ अपग्रेडेशन अब तक पहुंची है. चैंपियंस ट्रॉफी को हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं मगर चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ एक भारत की तरफ से शायद सिक्योरिटी का इशू हो वहाँ ऐसा ना हो कि फैसिलिटीज़ के इशूज़ में हम फंस जाएँ कि फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि नहीं है, स्टेडियम्स उस पाए के हैं कि नहीं है. सो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है. देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन पीसीबी. डार्विन में एक टीम खेल रही है तो कहीं शाहीन्स ए जो है वो इस्लामाबाद क्लब में आपको इन एक्शन दिख रही है तो फिर पाकिस्तान मेन्स टीम जो है अब वो आपको 21st से इन एक्शन में दिखेगी. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है. सो डिस्कशन इसी हवाले से करेंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से. सबसे पहले जहां हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं वहां पे स्क्वाड में तब्दीलियों पे तब्दीलियां होती जा रही हैं. एक स्पिनर था हमारे पास अबरार एंड अबरार भी जो है उनको शाहीन्स में खेलने को कहा गया कि पाकिस्तान शाहीन को वो रिप्रेजेंट करेंगे. वी आर गोइंग विद ऑल फोर पेसर्स, उसके हवाले से भी बात करेंगे. साथ ही साथ आमिर जमाल को भी जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है. सो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल किया गया था मगर उनकी शमूलियत फिटनेस के ऊपर बेस कर रही थी एंड नाउ ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड. सो यस, जो आपको पूरी लिस्ट दिख रही थी फास्ट बोलर्स की उसमें एक आमिर जमाल जो है कम हो जाएंगे. इवन देन वी हैव अ लॉट ऑफ फास्ट बोलर्स हियर. उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशंस की बात करते हैं. तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने आज बात की मीडिया से और यही कहा कि स्टेडियम्स बनने दें, भारत समेत सब टीमें पाकिस्तान आएंगी एंड ऑब्वियसली दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शायद मोहसिन नकवी साहब अगर ये तोड़फोड़ ना करते और जिस तेज़ी से टेन्योर बदलते हैं हमारे चेयरमैन्स के, अगर ये टेन्योर अपना वो कम्प्लीट नहीं कर पाते तो अपग्रेडेशन भी नहीं होती. इसलिए वो बिल्डिंग ही गिरा दी गई कि ठीक है कोई ना कोई तो वापस बनाएगा बिल्डिंग अगर जो भी आएगा. सो यस, गुड ऑन हिम कि इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं अपग्रेडेशंस की बात हो रही है. कराची स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम एंड रावलपिंडी में जो कुर्सियां लगने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि जका अशरफ साहब के ज़माने में साइन हुआ था उसको पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है एंड वहाँ पर वो शादी की कुर्सियाँ हटा के कुर्सियाँ लगवाई जाएंगी, प्रॉपर स्टेडियम की कुर्सियाँ. सो उसके हवाले से भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. दूसरी तरफ जहाँ हम बात कर रहे हैं एहसान उल्ला की, जहाँ पे फास्ट बोलर्स की बात हो रही है, सो एहसान उल्ला के वालिद साहब ने जो है ये बयान दिया था रिसेंटली कि सवात में रिहैब अच्छा नहीं हो रहा तो एहसान उल्ला को एनसीए बुलाना चाहिए और एनसीए में प्रॉपर रिहैब होना चाहिए. बट इन कॉन्ट्ररी जब एहसान उल्ला से इस बारे में बात हुई तो एहसान उल्ला का कहना था कि मेरा बहुत अच्छा रिहैब हो रहा है सवात में. मे बी एज अ फादर ही वॉज कंसर्नड अबाउट हिज सन कि नहीं जी एनसीए में करना चाहिए रिहैब, मगर एहसान उल्ला जो है वो कम्प्लीटली इस बात पे जो है वो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मेरा रिहैब बहुत अच्छा हो रहा है. और जहाँ तक रही बात के जो है कोनी में, अब मैं आराम से जो है मूव कर सकता हूँ अपना हाथ एंड द रिहैब इज़ गोइंग फाइन. मूविंग ऑन फर्दर पंक, जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी शुरुआत हो रही है 21st से. अचानक से पीसीबी सोच सोच के डिसीजन लेता है. पहले हुआ जी दूसरा टेस्ट मैच कराची में होना है, कराची में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया. अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो स्पेक्टेटर्स के बगैर क्लोज डोर्स में ये मैच खेला जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी साहब के जो सिक्योरिटी पर्सनल से जो सिक्योरिटी मैनेज करेंगे उन्होंने कहा कि नहीं जी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है वाइल द वर्कर्स आर वर्किंग देयर. मगर फिर किसी भले इंसान को ये भी ख्याल आया कि जब लड़के मैदान में खेल रहे होंगे और उधर से ठोका पीटी की आवाज़ आ रही होगी तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स एज वेल. सो फिर अचानक जो है ये पीसीबी को ख्याल आया क्यों ना रावलपिंडी में दोनों टीम्स भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, तो रावलपिंडी में ही दोनों मैचेस कर देते हैं. तो कराची वाला जो टेस्ट मैच है वो भी रावलपिंडी में शिफ्ट करने का फैसला कर दिया गया. उसके बाद जब डार्विन में हम मुकाबले की बात करते हैं जो टॉप N20 सीरीज़ हो रही है उसके सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स ने पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त दी थी और बड़ा शोर मचा हुआ है. बट वी नीड टू रियलाइज़ दैट कि ये जो लड़के हैं
वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स के वो एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम से चलते हुए आ रहे हैं, और उस प्रॉपर सिस्टम के लड़का शायद हमारे साइडलाइन पे जो लड़के हैं उनसे स्ट्रॉन्गर होंगे। ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे यहाँ अपने प्रोग्राम में, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। रऊफ, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है पीसीबी, एक टीम डार्विन में है तो एक यहाँ पे शाहीन्स खेल रही, विच इज़ गुड, जो कि हम बार बार कहते थे कि नहीं जी ये साइड लाइन पे जो लड़के खेल रहे हैं वो खेलते रहने चाहिए। बट जब मैं मेन टीम की तरफ देखती हूँ, हम 21st से अपना टेस्ट का सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट का 10 महीने बाद हम फिर से शुरू करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान वुड रीफिगर देमसेल्फ अगैन, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास जो नंबर वन बॉलिंग अटैक था वो पिछले साल एशिया कप में एक्सपोज हो गया था, तो अब रीफिगर कर रहे हैं हम अपने आप को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। ये जो टूर्स थे पाकिस्तान शाहीन का, पाकिस्तान ए का, ये तो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे क्योंकि 3-4 साल से ये इनके प्रोग्रामिंग में शामिल थे। दूसरी, जहाँ तक बात की आपने कि जब इनके सर पे पड़ती है कोई चीज़ तो उसके बाद ये काम शुरू करते हैं सारे का सारा, जिस तरह स्टेडियम की अपग्रेडेशन या रेवनेशन का काम, इनको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और कब से पता है कि पाकिस्तान, 5 साल से पता है कि होस्ट पाकिस्तान है, और अभी इन्होंने दोबारा उनका जो रेनोवेशन है स्टेडियम की उसका काम शुरू किया। इसी तरह सॉरी बीच में बात काटूंगी, ब्लेम चेयरमैन को तो नहीं जाना चाहिए, वो तो अभी आए हैं, यानी जो लोग 8-8, 10-10 साल से है वहाँ उनके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इदारा, बहुत बड़ा इदारा, देखिए 70 साल से फंक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं, टेस्ट में आप बड़े आपने लेजेंड्स पैदा किए हैं, और इस तरीके से एक प्रोफेशनल इदारे को अनप्रोफेशनली काम नहीं करना चाहिए। चेयरमैन तो ये बदलते रहते हैं, कोई 1 साल किसी का टेनर, कोई 6 माह के लिए आता है या 2 साल के लिए कोई भी आता है, मगर जो अगर इदारा प्रोफेशनल तो वही होता है कि जिसकी ऑलरेडी पहले जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी हो। आप इतना बड़ा इवेंट करवाने के जा रहे हैं और आपकी रेनोवेशन स्टेडियम की कुर्सियां आपने टेंटों की उठा के लगाई हुई है पिंडी में, जिस तरह आपने देखा है, उसके बाद फिर आप लास्ट टाइम आपको D-notified पॉइंट मिला रावलपिंडी स्टेडियम की पिच पर, तो अभी देखें कि दोबारा इन्होंने पिच तैयार किया और उसमें सारे के सारे सीम बॉलर्स इन्होंने खिलाए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी हैं जो कि सही होने वाली हैं, सही डायरेक्शन में जाने वाली हैं। प्रोफेशनल लोग हर फील्ड में यहाँ पर आने चाहिए, इस इतना नॉन प्रोफेशनल इदारा मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है। बिल्कुल, वक्तन हम बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमें साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी ज्वाइन इन किया है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, यहीं पाकिस्तान में मैच हो रहा है, एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, साउथ एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, कोई एक स्पिनर ना होना, कोई एक सिर्फ फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट डिसीजन है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर डलता है टेस्ट मैच में, आपको पता ओवर रन रेट भी मैनेज करना होता है, फिर जो क्वालिटी स्पिनर और बड़ा स्पिनर बनता है, जो मैच विनर होता है, वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खिलाया जाता, वो हर कंडीशन में हर पिच पे जैसी मर्जी पिच हो वो आउट करके देता है। टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेज होता है, रऊफ को पता है रऊफ फास्ट बॉलर है, तो बड़ा जरूरी होता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलना बड़ा जरूरी होता है, और जितने ग्रेट स्पिनर्स हैं वो सिर्फ कंडीशन को देखते हुए नहीं ग्रेड बने, वो हर कंडीशन में जाके वो आउट करते रहे, चाहे वो शेन वॉन हो, चाहे वो मुतैया मुरलीधरन हो, सकलैन मुश्ताक हो, अनिल कुंबले हो, और हरभजन सिंह हो, अश्विन हो, तो ये सारे वो स्पिनर्स थे जो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में और इतनी गर्मी में जितना मर्जी घास हो स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बांग्लादेश की टीम में भी आपके सामने 4 स्पिनर हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा, जो मैं 1-1.5 साल से देखता हुआ आ रहा हूं, जैसे मैंने पिच की कंडीशन, और फिर आज जो मेरे लिए और ज्यादा सरप्राइज है कि आमिर जमाल रिलीज कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ फिटनेस, पहले इनको समझ नहीं थी कि आमिर जमाल फिट नहीं है, 17 रुकनी टीम में अनाउंस किया, 1.5-2 महीने से वो इंग्लैंड में रह रहा है, 1-2 हफ्ते आप देखते हैं कि इंग्लैंड में वो रह रहा है, काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो क्या वजह है, उसको वापस बुला लें अगर फिट नहीं हो सकता। जब सर पे पड़ती है तो फिर सारे डिसीजन ले लेते हैं, फिर जब वो काम हो जाता है तो ठीक है, ना हो तो फिर ये हम लोग फिर मौका मिलता है मीडिया को बात करने का। तो हम ना
काफी अरसे से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे और ना प्रोफेशनली बोर्ड डील कर रहा है अपने डिसीजन भी जो भी काम है मेरे ख्याल से वो सही नहीं हो रहा, जो मेरे ख्याल से मजाक बन रहा है इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट का।